हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको ये पूछता हूँ कि हमारे आसपास जो हवा है उसका वजन होता है? Yes. नहीं होता? Yes, yes, होता है। होता है या नहीं होता है? ठीक है, बहुत सारे लोग होता है बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं होता बोल रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, अगर हवा का वजन होता है तो हमें लगता क्यों नहीं? हमारे ऊपर अगर इतनी कितनी हवा है, कितना क्यूबिक क्विंटल हवा है कि नहीं, तो हम उसके नीचे दब जाने चाहिए ना। हमारे अर्थ के ऊपर तो कितना वजन है, हवा कितनी हवा है, पर अगर हवा का वजन है तो हम तो ऐसे वो स्क्विश हो जाने चाहिए ना, तो क्यों नहीं होते? तो हवा का वजन नहीं है, तो दब क्यों नहीं जाते? है कि नहीं? चलो, तो मान लेते हैं कि हवा का वजन नहीं होता, तो इन दोनों बलून का भी वजन नहीं होगा, हाँ या ना? पहले ये लकड़ी को देखो, ये लकड़ी बैलेंस है, दोनों तरफ सही तरीके से है, है या नहीं? तो अगर हवा का वजन नहीं होता तो इन बलून का भी वजन नहीं होगा, और अगर इन बलून का भी वजन नहीं होगा तो ये लकड़ी बलून लगाने के बाद भी बैलेंस में ही रहेगी, हाँ या ना? तो चलो चेक करते हैं। हाँ, इसमें हवा कम है, इसमें हवा ज्यादा है, ठीक है। अभी मैं इस बलून्स को छोड़ दूंगा, आपको ऑब्जर्व करना है कि लकड़ी बैलेंस में रहती है या मुड़ती है, या फिर झुक जाती है तो कौन सी तरफ झुकती है, ठीक है? झुकेगी। कहाँ झुकी? उस तरफ ज्यादा हवा क्या? ऑरेंज बलून की तरफ की येलो की तरफ? येलो। और एक बार चेक करते हैं, साइड चेंज कर चलो, शायद लकड़ी की गलती हो। काम उड़ा नीले की तरफ, येलो के तरफ। यस, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा हवा है, इसमें कम हवा है। तो ज्यादा हवा का ज्यादा वजन होता है, इट मींस हवा का भी वजन होता है। तो अभी आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि इतनी ज्यादा हवा है और हवा का वजन है तो हम दब क्यों नहीं जाते? तो वो जो एयर प्रेशर है उसको हमारा बॉडी बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है? बॉडी। और हमारा बॉडी भी हवा से बना हुआ है जो अंदर से बाहर धक्का लगाता है। कहाँ लगाता है? अंदर से बाहर। हमारे बॉडी के अंदर भी बॉडी प्रेशर होता है जो हमारी बॉडी से अंदर से बाहर धक्का मारता है, और हमारे अर्थ के ऊपर जो हवा होती है वो हमारे बॉडी को बाहर से अंदर धक्का मारती है। तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, ये धक्का लगने की वजह से हमारा बॉडी स्टेबल रहता है। अभी और एक क्वेश्चन, अगर आप बिना स्पेस सूट के स्पेस में चले जाओ तो क्या होगा? हम उड़ जाएंगे। ऐसे आप उड़ जाओगे या आप फट जाओगे? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तब हवा ही नहीं होगी। हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर है, बाहर प्रेशर नहीं है, तो हम एक्सप्लोड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोड। इतना समझ में आया? अभी मान लो कि किसी रीजन की वजह से पूरी अर्थ के ऊपर एयर प्रेशर डबल हो गया। क्या हो गया? एयर प्रेशर डबल। तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हम पिचक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर कम है। तो जैसे वो पिच को आप दबाते हो ना और सारा सॉस बाहर निकल आता है, वैसे ही हम पिचक। समझ में आया? श्योर? तो हवा का वजन होता है। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया बलून वाला, उसमें हमें क्या चीज पता चली? हवा का वजन होता है। एंड यू हैव अ मास। हवा का वजन होता है, जिसकी वजह से एक बलून है वो नीचे की तरफ जा रहा था और दूसरा बलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, हाँ या ना? यस। ठीक। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि गर्म हवा और ठंडा हवा का वजन अलग अलग होता है या सेम होता है? गर्म हवा का वजन और ठंडी हवा का वजन अलग अलग होता है या सेम होता है? अलग अलग होता है। श्योर? अच्छा, तो आपने वो पतंग चढ़ाने के टाइम वो गुब्बारा कभी उड़ाया? हाँ, सूर्य। हाँ, तो गुब्बारे के बीच में हम एक
आग लगाते हैं थोड़ी देर के लिए गुब्बारे को पकड़ते हैं तो वो गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें गर्म हवा बढ़ जाती है। हाँ, तो मतलब गर्म हवा और ठंडी हवा में क्या फर्क है? गर्म हवा का वजन ज्यादा होता है, गर्म हवाओं का वजन कम होता है, ठंडी हवा का वजन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा जब गर्म होती है ना तो वो खींच जाती है। वो इलास्टिक बैंड देखा है, रबर बैंड देखा है, रबर बैंड को अगर हम खींच ले ठीक है उसके बाद छोड़े तो क्या होगा? वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। हवा का भी वैसा होता है। व्हेन यू हीट द एयर, जब भी आप हवा को गर्म करते हो हवा रबर बैंड की तरह खींच जाती है। क्या हो जाती है? खींच जाती है। और गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। वही हवा जब वो ठंडी हो जाए तब वापस एक दूसरे के नजदीक आ जाती है और ठंडी होकर वापस नीचे आने लगती है। समझ में आया? तो अभी आप सभी को मोमबत्ती जलते हुए दिख रही है? ठीक है, ये मोमबत्ती का इस्तेमाल हम हवाओं को गर्म करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि मोमबत्ती के आसपास मैंने पानी रखा हुआ है, बंद करेगा, मैंने पानी लगाया हुआ है। ठीक है, अभी ये ग्लास मैं इस मोमबत्ती के ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या होगा? वो पानी खींच लेगा। पानी खींच लेगा और मोमबत्ती जलेगी या बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। मोमबत्ती क्यों बुझ जाएगी? हवा तो है अंदर। क्योंकि सर ये जो एयर होती है उसको वो मतलब एक्सपेंड हो जाती है। एयर मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है? हवा तो है ना ग्लास के, क्योंकि मोम पूरा पैक हो जाता है और हवा अंदर से पर अंदर तो हवा है ना, वो पानी से खत्म हो जाती है। अच्छा, आग लगने के लिए हवा जरूरी है या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है। तो जब भी हम ग्लास इस मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे तो ग्लास के अंदर हवा तो अवेलेबल है बट ऑक्सीजन हो जाती है। समझ में आया? तो ये हवा थोड़ी देर के लिए गर्म होगी, मतलब रबर बैंड की तरह खींच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, हाँ या ना? तो तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जब मोमबत्ती बुझ जाएगी तब गर्मी का सोर्स खत्म हो गया। अभी हवा धीरे धीरे क्या होने लगेगी? और ठंडी हवा रबर बैंड की तरह एक दूसरे से फिर से चिपक जाती है, तो वो नीचे जो पानी होगा उसको अपने तरफ से खींच लेगा। ऐसा कुछ होगा? अभी आप सभी को यहाँ पे पानी का जो सरफेस दिखे, मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, एक आदित्य यादव और एक ऊर्जा यादव, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाए और आपको यहाँ पे वाटर लेवल चेक करना है। क्या करना है? वाटर लेवल चेक करना है। अभी मैं आप सभी के सामने इस मोमबत्ती के ऊपर मैंने रखा, अभी वाटर लेवल को देखो, बड़ा क्यों बड़ा? ऑक्सीजन हो गया खत्म और हवा ठंडी होने की वजह से वो एक दूसरे को खींच गई, जिसकी वजह से पानी उसने ऊपर ले गया, हाँ या ना? ठीक है, तो जब भी आप हवा को गर्म करोगे वो क्या हो जाएगी? एक्सपांड, फैल जाएगी, जिसकी वजह से वो हो जाएगी हल्की, और हल्की चीजें कहाँ जाती है? जैसे गर्मी देना बंद कर दोगे हवा वापस से हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी और वापस से नीचे आने लगेगी। क्लियर? पक्का? ठीक।